सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। परमात्मा हर वक्त तुम्हारे साथ है प्यारे, अपने आप को अकेला क्यों समझते हो प्यारे? हर वक्त तुम्हारे साथ है, तोड़ना टूटे हुए हर दिल को बुरा होता है, तोड़ना टूटे हुए हर दिल को बुरा होता है, जिसका कोई नहीं यारो उसका भी खुदा होता है, परमात्मा होता है। इसलिए फिक्र न करो, ईश्वर से मांग कर उसको परेशान न किया जाए। परमात्मा ने तुम्हें बुद्धि दे दी, तुम्हारे हाथ पैर तुमको दे दिए, ठीक सही सलामत तुमको दुनिया में भेज दिया, फिर क्या मांगना ईश्वर से? हाँ, किसी सूफी ने बड़ी प्यारी बात कही कि मैं अगर मांगूं तुझे तो तुम न देना कुछ मुझे। ए मालिक, मैं तो जीव हूं, मांगने की भूल कर सकता हूं, लेकिन मैंने यदि मांग ही लिया तो खबरदार तुम मुझे देना मत। मैं अगर मांगू तुझे तो तुम न देना कुछ मुझे, क्योंकि फिर आशिक नहीं प्रभु, फिर तो मजदूर हो जाऊंगा मैं, फिर तो मजदूरी हो गई साहब। मैंने 5 माला फिराई और आपने बदले में उसका परिणाम दे दिया, ये तो मजदूरी हो गई ना। आपको नहीं लगता कि भक्ति की जगह कभी कभी हम मजदूरी करने लग जाते हैं? हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, क्यों? बोले ये काम हो जाए, ये तो मजदूरी हो गई ना भाई, कि ठीक है मालिक हम इतनी माला फिराएंगे, बदले में हमको ये चाहिए, ये भक्ति कहां हुई? ये तो मजदूरी हो गई। भक्ति तो आशिकी होती है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, सूफी की कलाम, बड़ी प्यारी पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती। एक बार भक्ति के मार्ग पर, मोहब्बत के मार्ग पर आकर देखो, जिस पर मीरा चली वहां कोई मांग नहीं होते हैं, वहां कोई कामनाएं नहीं रहती है। इसलिए मांगो, ईश्वर की भक्ति करो तो प्यारे मांगते क्यों हो? हाँ, अहि तुक्य प्रतिहता यात्मा संप्रसीदति। और हमारी आदत है कि मंदिर दिखी नहीं और मांगना शुरू। हाँ, इतना मांगते रहते हैं। भगवान की आरती भी करते हैं ना, तो उसमें भी तो देखो हमने पूरी मांगने की बात भर रखी है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दूसरी बात, एक प्रश्न उठाया था किसकी हम पूजा करें। हाँ, देखो पूजा किसी की भी करनी हो कोई मनाही नहीं, सबकी करो, लेकिन प्रेम एक सिर करना। प्रेम 10 जगह नहीं, पूजा 10 जगह कर लो। मंदिर में जाते हो सभी के ऊपर श्रद्धा है, सबकी पूजा कर लो, राम जी कृष्ण जी हनुमान जी भोलेनाथ गणेश भगवान, जिसकी भी पूजा करनी सबकी करो, कोई मनाही नहीं, लेकिन प्रेम एक से करना। इष्ट देव तुम्हारे एक हो। लौकिक भाषा में भी अक्सर हम सुनते हैं और एक एक बड़ा प्यारा प्रसिद्ध शय, रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से ही होती है। समझ गए आगे की लाइन ना? बड़ा बड़ा प्रसिद्ध शय, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं, पर बात हकीकत है। प्रेम एक से ही करो, अपने मन को 10 जगह बांटो मत। 10 जगह बांटने से मन को कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ, एक एक उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, 5-5 फीट के 1000 गड्ढे आप बना लो, किसी से पानी नहीं निकलेगा। हाँ, तो 1000 जगह जो आपने मेहनत की 5-5 फीट गड्ढे करने की, इससे अच्छा है पूरी मेहनत एक ही जगह करके बोरिंग कर दो ना। हाँ,
अपने मन को 10 जगह यहां वहां बांटने से अच्छा है एक ही साधे सब सधे सब साधे सब दाए। यथा तरोर मूल निषेचने न तृप्यंत स्कंद बुजोपशाखा। वृक्ष के जड़ में पानी डाल दो प्यारे, पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। हाँ, यहां वहां पानी डालने का क्या अर्थ? अपने मन को यहां वहां मत लगाओ, प्रेम एक से ही करो, इष्ट देव तुम्हारे एक हो, सबकी पूजा करो, कोई मनाही नहीं। आप रामायण में देखो, आप रामायण पढ़ते होंगे तो शायद आपको ध्यान आ जाएगा, बाबा तुलसी ने सबकी वंदना की है मानस में, किसी को छोड़ा ही नहीं बाबा तुलसी ने तो। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी दुर्गा काली भैरव हनुमान सबको प्रणाम किया, और सभी को प्रणाम करने के बाद अंत में मांगा क्या? मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसही राम सिय मानस मोरे, बसही राम सिय मानस मोरे, मांगत तुलसीदास कर रे। एक ही वरदान मांगा, सीता राम चरण रति मोरे, भगवान राम और सियादु हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाएं, बस इतनी कृपा कर दो। वंदन सभी को किया, प्रणाम सभी को किया, निवेदन सिर्फ इतना किया कि ठाकुर जी हमारे हृदय में बस जाए बस। तो पूजा सबकी करो प्यारे, किसी की भी पूजा करने की इच्छा हो करो, लेकिन इष्ट देव तुम्हारे एक हो, भाव तुम्हारा एक पर हो। आगे प्रश्न उठाया था कि सभी शास्त्रों का सार क्या है, अब उसका भी उत्तर दिया है, लेकिन उसका उत्तर हम कल की कथा में जानेंगे। आज को यहां पर विराम करते हैं, कल शुकदेव और परीक्षित का संवाद लेते हुए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आज की कथा को यहां विराम करते हुए हरिनाम स्मरण भाव और प्यार से, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, अभी कोई खड़े ना हो कृपया, गोपाल मेरो है। कथा की एक मर्यादा है, जब तक व्यासपीठ पर वक्ता विराजमान हो श्रोताओं को उठने की मनाही होती है। कथा की मर्यादा का ध्यान रखते हुए कृपया भाव से हरिनाम कीर्तन, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री वृंदावन बिहारी नंदलाल बिहारी गोविंद मेरो।
सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।